साहिवाल प्रजाति का एक वर्ष का नंदी अभी भी अपनी माँ का दूध पीता है। आप देखिए इसके इसके कान, और चूँकि हमसे भड़क रहा है कैमरे के सामने, अभी फोटो खिंचवाना नहीं चाहता है। रुको, यह है नंदी, रुको, अभी दूध पीता है। मैं इसकी माँ को दिखाऊंगा, और मैं अभी दिखाऊंगा कि गिर गाय का प्रचलन अब अपने तरफ भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो गया है। लोग किस तरह से गो संवर्धन और गायों की नस्ल सुधार के लिए लगे हुए हैं। एक गिर गाय देसी प्रजाति में ही आती हैं, साहिवाल भी देसी प्रजाति में आती हैं, और हम अभिषेक के साथ हैं, अभिषेक यादव। और इधर आप देखिए, एक ये है गिर गाय, इसके कान देखिए, यह गिर गाय है, आप इसे देख रहे हैं, और इसका थंब है जहाँ अभिषेक सहला रहे हैं। अभिषेक जी, यह कितने दिन की हो गई? ये 2 साल की हो गई, लगभग 25 महीना, मतलब 2 साल हो गया। तो यह गर्भवती है जी, कितने दिन का? ये 4 महीने, 4 महीने का। देखिए इसका माथा देखिए, ये उभरा होता है, ये उभरा हुआ होता है, ये उभरा होता है, कान ऐसे लटके होते हैं, कान लटके हुए होते हैं, देखिए कान है। और यह बड़ी सुंदर होती ये, है देखने ये, में। ये गल कंबल होता है, ये कंबल की तरह लटका होता। अच्छा, ये सब गल कंबल बोलते। अच्छा, गल कंबल मतलब गला वाला कंबल। हाँ। ऐसे करते हैं। हाँ। और लोग देहात में ललरी बोलते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं। और ये थंब है इसका। हाँ, इसको इसमें बताते हैं कि मतलब ये सूर्य केतु नाड़ी होता है इसमें। हाँ। जो मतलब सूर्य की रोशनी इसमें अब्जॉर्ब होती है, अच्छा, दूध में मतलब मिश्रित होके आती है, तो स्वर्ण भस्म वाला जो बोलते हैं ना जी, तो इसलिए इसका दूध जो होता है देसी गाय का, वो A2 मिल्क होता है, A2 प्रोटीन होता है, जो जिससे कैंसर नहीं होता है। अच्छा। इससे कैंसर नहीं होता है। देखिए हम इस समय अभिषेक के साथ हैं, और अभिषेक अच्छे स्टूडेंट भी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। तो कैसे आपको समय मिल पाता है? जब समय मिल जाता है तो आके लग जाते हैं। हाँ, जैसे अभी लॉकडाउन था तो घर पे ही रहना है। नहीं तो कहाँ रहते हैं? तो फिर दिल्ली रहते हैं, दिल्ली रह के ही तैयारी करते हैं। तो इसके बारे में बताइए, जैसे लगातार लोग जर्सी, फ्रिजियन और अन्य विदेशी नस्ल की गायों का पालन कर रहे हैं, और आप इसका गिर गाय का पालन कर रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में? अंतर उसमें साफ है, जैसे गिर गाय दूध तो ज़्यादा देगी। हाँ। लेकिन वो पौष्टिकता नहीं रहेगी। नहीं, साहिबा नहीं, वो फ्रिजियन और जर्सी अधिक दूध देगी, विदेशी नस्ल। हाँ, दूध तो मतलब थोड़ा अधिक देती हैं, जैसे जैसे ये गिर है उनके टक्कर की है ये, इसका भी मतलब जो प्योर गिर होती है वो भी मतलब 25 लीटर 28 लीटर ऐसे दूध देती है, और ज़्यादा दूध देने वाली भी नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं। लेकिन लोग जैसे भ्रांति में रहते हैं कि मतलब विदेशी नस्ल ही दूध ज़्यादा देती है, ऐसा लोग सोचते हैं। और दूध मतलब ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, उसका मतलब मार्केट में बेचने के लिए, वो सोचते हैं कि मतलब विदेशी नस्ल रखा जाए। लेकिन जैसे इधर के दिनों में कुछ रुझान बढ़ रही है इसके प्रति? जी जी, लोग अब अच्छा दूध मतलब अब लोग अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना। अच्छा, अब इसे एक चीज़, आप पढ़े लिखे उत्कृष्ट छात्र हैं, यह गोमूत्र का क्या है, कुछ आपने इसका अनुभव किया है, कुछ साइंटिफिक रीजन इसका जाना है कुछ? गोमूत्र में ये जैसे जैसे गाय का जो मूत्र होता है उसमें, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। नहीं, जो पान करते हैं लोग गोमूत्र पान। हाँ, तो हमारे एक वरिष्ठ साथी है IAS कमल टावरी साहब, तो कहते हैं कि हमने पूछा कि आपकी जीवंतता का राज क्या है, तो कहते हैं स्वमूत्र पान वो करते हैं। तो मान लीजिए गोमूत्र पर हम बात करते हैं, इसका क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है इसका? जैसे जो पान करते हैं जी जी, वो सभी गायों का मतलब ऐसे मतलब पान करने से उसका फायदा ज़्यादा नहीं होता है। उन गायों का मूत्र पान करने में फ़ायदा होता है जो मतलब जो चरती हैं। अच्छा, जो जो जड़ी बूटियाँ इधर उधर खाती हैं, जैसे आप रखते हैं भूस खिला के अगर उसका गौमूत्र का वो क्वालिटी नहीं है, तो वो उसमें फ़ायदा नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जो लोग चराते हैं, जो गाय मतलब जो खाती हैं अच्छा अच्छा चारा जो देते हैं, उनके जो गाय होती हैं उनके मूत्र में जो मतलब फ़ायदे होते हैं उनके पान करने से, वो सभी गायों में नहीं होते। सही, अभी गायों में नहीं, ये फर्क समझना पड़ेगा। अच्छा, नंदी का क्या करेंगे आप? तो सब छुरी चल जा रही है, जाएंगे छुरी चल जाएगी खेत में, तो इनको क्या करेंगे? ये साँड़ के लिए दिया जाएगा। अच्छा, गौशाला में देंगे। यह सीमेंट कहाँ से चढ़वाया था आपने? ये जो नूर
महल गौशाला है पंजाब। अच्छा, जो पंजाब में नूर महल गौशाला है जहाँ कपिल बुल है, कपिल बुल का बच्चा है। अच्छा, देखिए थोड़ा सा भड़क रहे हैं हम लोगों से, लेकिन हैं बहुत अच्छे यार। इनको लग रहा है कि सब कहाँ से आ गए। नहीं जी, नहीं, इनको राजा बना के छोड़ दिया जाएगा, राजा बना के छोड़ दिया जाएगा। अब इसे कब इनके माँ की तरफ हम लोग रुझान करते हैं। ये है इनकी माँ, इनका भी कुछ नाम रखे हैं क्या? बड़ी गाय है। यह किस नस्ल की है? ये गंगा तीरी। गंगा तीरी, देखिए नाम हम लोगों ने सुना है, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। यह गंगा तीरी है, देसी नस्ल की गाय है। जी जी। और उनका प्योर देसी है, पूरा इसका स्किन जो है ऐसे झूला झूला है। अच्छा, प्योर देसी है। तो इस सीमेंट चढ़वाया आपने साहिवाल का, गिर गाय का। गिर का ये बच्चा इसी का। अच्छा, इसी का बच्चा है। देखिए क्या लीला है। वो भी उसी का बच्चा। मतलब माँ का भी गया और पिता का भी गया, ज्यादा गुण पिता का गया है। और यह है गंगा तीरी, गंगा तीरी से पैदा हो गई गिर और गंगा तीरी से ही पैदा हो गए साहिवाल। उधर भैया भैंस किस प्रजाति की आपकी है? वो मुर्रा नस्ल। अच्छा, मुर्रा नस्ल है। या उधर जो पंजाब हरियाणा की तरफ पाए जाते हैं। चलिए हम भैंस की तरफ फिर चलते हैं। और ये मुर्रा नस्ल की जो राजबुल है हरियाणा। अच्छा, अच्छा। हरियाणा का जो राजबुल के सीमन का बच्चा है। यह कितने दिन की हो गई बढ़िया? ये 10 महीने। 10 महीने की हो गई। कितने दिन पर ये पाल खाती है? 7-8 महीने। और 7-8 महीने, 15-16 महीने। आपको इतनी जानकारी कैसे है? आप किस सेवा में हैं? शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनंत कुमार यादव है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में एज ए एसओ वर्किंग हूँ। दिल्ली में है? जी जी, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में है। घर आए हैं और आकर के लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सभी लोग जो जहाँ था वो वही यहाँ पास है। देखिए यह है देसी देसी स्वभाव, देसी लोग, देसी गाय, देसी भैंस, देसी रहन सहन, देसी खान पान। देसी खान पान में क्या लेते हैं आप? देसी खान पान में यही अब गाय रखें, गाय जैसे आपको लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यारी तो आदमी भारत सरकार में नौकरी करता है और देसी गाय का दूध घी और दही मिलता है। रोटी में जैसे बाजरा वगैरह का कुछ लेते हैं? बाजरा वगैरह ले लेते हैं हम लोग, कभी मक्का भी लगाते हैं। मक्का भी खाते हैं जी। ये है तो मतलब देसी पर आना पड़ेगा, अल्टीमेटली देसी पर ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि जो हाइब्रिड चीज़ों का चलन है उस अगर फल सब्जी कुछ भी अगर हम हाइब्रिड ले रहे हैं उनका जो DNA चेंजिंग हो रहा है उससे आदमी का भी DNA प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं। क्या बात है। आइए, एक गाय आपकी और भी दिखाई दे रही है, खूबसूरत गाय है। भैंस को हम देख लेते हैं। तो भैंस किस प्रजाति का बताया आपने? मुर्रा। मुर्रा भैंस है यार। कहाँ, इधर से ही ले आए थे आप कहीं से? नहीं, ये भी सीमन की। अच्छा, ये भी सीमन से ही है। मुर्रा भैंस है, उसकी बढ़िया है। अब हम एक और भी देसी गाय की तरफ बढ़ते हैं। आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ और सीधे देखिए वो बछिया बुला रही है। बछिया के पास हम चलते हैं। और आप कितना दूध देती होगी? ये 16 लीटर। 16 लीटर सुबह देती है। सुबह शाम। अच्छा, ये भी 4 महीने प्रेग्नेंट। अच्छा, 4 महीने। और करमबीर सर का जो बुल है बिरला, उसका सीमन लगवाए। अच्छा, क्योंकि हम उनके युवराज का रिजल्ट हमारे पास है जो कि बहुत इफेक्टिव लगा, हर सीमन से बहुत अच्छा है। तो अब आप बिरला? अब इस बार बिरला से प्रेग्नेंट। हमने दिखाया भी था बिरला और युवराज जी, तो, जी। तो आपने देखा होगा जो कुरुक्षेत्र में करमबीर का बुल है, भैंसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। देखिए यह है, इसको खेले पर रख करके लोग चारा भी ले आते हैं और यहाँ से गोबर वगैरह भी इसी से फेंकते हैं। गोबर वगैरह भी है, चारा काटने की मशीन है, इससे गाय अच्छी होती है। यह खचिया है, अब देखने के लिए नहीं मिले, समाप्त हो गया यह। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं मिलेगा। यह देखिए गाँव है, कमल भी है, तितली आ रही है। अभी हम चलते हैं इनके पास। क्या है जी, बुला रही थी, फोटो खिंचवाने का मन है ना? हाँ, इनसे दोस्ती करना है ना?
क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। ये SAG बुल 10039 की है बेटी। अच्छा, मतलब SAG जो संस्था है, अच्छा, उनके बुल की है, गिर का बुल है। गिर की बच्चिया है जी। देखिए, गिर गाय जो गुजरात में पाई जाती है, और प्रधानमंत्री जी भाषण कह रहे हैं, भाषण में अक्सर वहाँ के शेर का उल्लेख करते हैं और गिर गाय का उल्लेख करते हैं। तो गिर गाय अब हम लोगों ने भी पाला। ये गिर गाय ऐसी हैं जो शेरों के साथ रहती हैं। अच्छा, गिर जंगल में गाय भी छोड़ देंगे खुले में, और शेर और गाय एक साथ में। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा और नहीं। अब चलते हैं इनकी माता जी के पास। यह है इनकी माँ। अभिषेक, इनका भी कुछ नाम रखा गया क्या? नंदनी। नंदनी वशिष्ठ जी की गाय थी। नंदनी विश्वामित्र जी उसे लेना चाहे तो उसी में विवाद हुआ था। ये अभी देसी प्रजाति है, किसकी है? देसी है, साहिवाल। साहिवाल, साहिवाल और देसी का होगा ना? उसी वही है। अच्छा, वही माँ वही है सब। गंगा तीरी से यह भी पैदा हुई, वह नंदी भी पैदा हुआ, और वह गिर गाय भी पैदा हुआ। इस तरह से लोग करा रहे हैं। इसका दूध बहुत अच्छा है। अच्छा, लगता है जैसे भैंस का दूध है। हाँ, और छोटी है भी, ज़्यादा भोजन भी नहीं लेती होगी, सीधी भी है। इसका 14 लीटर दूध है। अच्छा, अरे वाह, बहुत सीधी है। वाह, इसको कहीं से भी हाथ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाल्टी भर देती है। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी हाथ लगाइए, बहुत सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। ये साहब भारतीय गांव, भारत के गांव, भारतीयता जिनमें रची बसी हो, ऐसे यदुवंशी परिवार में हम हैं। और हमें गर्व हो रहा है कि भगवान कृष्ण के वंशज अभी भी उस यशस्वी परंपरा को कायम किए हुए हैं, अपने भी ठीक हैं, परिवार को भी ठीक रखे हैं। और जिस परिवार में एक गिलास दूध अगर रात को नहीं मिलेगा तो किसान कहलाने लायक वो लोग नहीं है। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज रेहटी मालीपुर गांव में अभिषेक के घर इन लोगों से देसी गाय पर बातचीत करते हुए, इसे दिखाते हुए विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।